जनवरी सन 1948, एक जनवरी सन 1948 को हम सिक्योरिटी काउंसिल पहुंचे और सिक्योरिटी काउंसिल को एक हमने ट्रंक कॉल किया। एक जनवरी 1948 को हमने ट्रंक कॉल करके जम्मू कश्मीर के मैटर को सिक्योरिटी काउंसिल में रखा और ये कहा सिक्योरिटी काउंसिल को, जो फैक्ट रखे थे, जो लेटर गया था, उस लेटर के कुछ अंश हम आपको पढ़कर सुनाते हैं। हमने ये कहा कि 24 अक्टूबर सन 1947 को पाकिस्तान के कुछ ट्राइबल्स और पाकिस्तान के नेशनल्स कश्मीर के हिस्से में घुस आए हैं, जो हिस्सा कश्मीर का भारत में विलय हो चुका है और भारत का ये अभिन्न अंग है, इसलिए नॉन इंटरवेंशन की पॉलिसी को अपनाते हुए ये एग्रेशन कहा जाएगा और पाकिस्तान हमारे आंतरिक मामलों में दखलंदाजी कर रहा है। अतः हमने कहा कि पाकिस्तान की जो सेना है वो मुजफ्फराबाद तक घुस आई है और बहुत सारे लोग उनके झेलम वैली की तरफ अग्रसर हैं, बढ़ रहे हैं, और उनको किसी प्रकार से रोका जाए और वो बारामूला तक पहुंच गए हैं, उनको बारामूला से पुनः वापस करने के लिए आप दबाव बनाइए, चूंकि कश्मीर हमारा हिस्सा है, भारत में वो पूर्ण रूप से विलय हो चुका है, इसलिए आप कृपया करके पाकिस्तान को समझाएं, अदरवाइज हम स्वच्छंद होंगे कि हम पाकिस्तान के खिलाफ आर्मी से कार्रवाई करें। यह बात हमने सिक्योरिटी काउंसिल में उठाई। सिक्योरिटी काउंसिल में उठाने के बाद हमने यह भी कहा कि हम इस फेवर में भी हैं कि अगर वहां पर प्लीबिसाइड करवाना पड़े तो हम प्लीबिसाइड भी करवा सकते हैं। अगर आपको लगता है कि जम्मू कश्मीर का मैटर कुछ डिस्प्यूटेड है, कश्मीर का विलय सही नहीं हुआ, तो हम प्लीबिसाइड भी करवा सकते हैं और वहां की जनता से ये बात पूछवा सकते हैं कि भारत में विलय नंबर एक का हुआ है। और वैसे तो कोई डिस्प्यूट ही नहीं है, क्योंकि महाराजा हरि सिंह का लेटर उन्होंने रेफरेंस दिया और बताया कि जिस प्रकार 650 कॉन्स्टिट्यूएंसियां भारत में विलय हो चुकी थी, उसी प्रकार जम्मू कश्मीर भी भारत में विलय हो चुका है। अब पाकिस्तान सरकार के द्वारा यदि कोई एग्रेशन की कार्रवाई की जाती है तो वो हमारे आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप होगा। और यदि आप, चूंकि आप इंटरनेशनल पीस मेंटेन करने के लिए आप प्रतिबद्ध हैं, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान को बुलाकर समझाया जाए और उनसे कहा जाए कि वो अपनी हमारी टेरिटरी छोड़कर बाहर चले जाए। ये हमने लेटर लिखा। उसमें 10वां पॉइंट भी था, जो 10वें पॉइंट में हमने कहा कि पाकिस्तान ने जो किया है वो ये है कि पाकिस्तान से इन्वेडर्स भारत में घुसे, इसलिए पाकिस्तान ने उनको परमिट किया। पाकिस्तान की टेरिटरी को बेस बनाकर ऑपरेशन चलाया जा रहा है। पाकिस्तानी नेशनल्स उसमें शामिल हैं। पाकिस्तान की मिलिट्री इक्विपमेंट और ट्रांसपोर्टेशन के सभी साधनों का इस्तेमाल हमारे खिलाफ हो रहा है और पाकिस्तान ऑफिसर्स ट्रेनिंग वगैरह चला रहा है, जो तैयार करके भारत में ट्रूप्स को बार बार भेज रहा है। इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि कृपया करके उनको हमारी टेरिटरी से बाहर किया जाए। ये आर्टिकल नंबर 35 में हमने एप्लीकेशन की थी। इस बात को लेकर पाकिस्तान सरकार ने 1 जनवरी को हमने एप्लीकेशन की, 16 जनवरी को उन्होंने इस पर रिप्लाई दिया। 16 जनवरी को पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया और पाकिस्तान ने यह बात स्वीकार की। देखिए कितनी अच्छी बात स्वीकार करी। कहते हैं, फ्लैटली डिनाइड द पार्टिसिपेशन ऑफ पाकिस्तान फोर्सेज एंड ऑल्सो असर्टेड दैट पाकिस्तान हैड नाइदर एडेड नॉर अबेटेड इन एग्रेशन। पाकिस्तान ने कहा, ना तो मैं गया और ना ही हमने किसी को अबेट किया, उत्प्रेरित किया कि वो भारत के हिस्से में, जम्मू कश्मीर के हिस्से में किसी प्रकार का एग्रेशन करें। साथ में कहते हैं कि ये जो मामला है वो ये है कि हमारे साथ स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट हो गया। कह रहे हैं, हैविंग फर्स्ट मिट, ये महाराजा हरि सिंह ने कहते हैं कि ये कुठाराघात किया है, उन्होंने दोगलापन किया है, हमारे साथ उन्होंने स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट कर लिया और भारत में विलय कर दिया। क्या ये अपने रिप्लाई में दे रहे हैं? कहते हैं कि डबल डीलिंग करी महाराजा ने इन हैविंग फर्स्ट मेड ए स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट विद पाकिस्तान टू अपीज द मुस्लिम मेजोरिटी ऑफ हिज सब्जेक्ट। उनके यहां जो मुस्लिम मेजोरिटी है उसको शांत करने के लिए उन्होंने मेरे साथ एक एग्रीमेंट किया, पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट किया कि जो स्थिति है वैसी ही बहाल रखी जाए, और दूसरी तरफ
भारत के साथ उन्होंने विलय कर दिया। ये दोहरा मापदंड महाराजा हरि सिंह ने जो अपनाया है वो गलत है, इसलिए हम भारत में जम्मू कश्मीर के विलय को डिनाई करते हैं और स्वीकार नहीं करते। भारत सोचने की बात है, जम्मू कश्मीर के महाराजा भारत में जब विलय करना चाहते हैं, पाकिस्तान जब आउटर टेरिटरी है और तुम्हारे साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हो चुका है, यथास्थिति मेंटेन रखी जाए, तो फिर तुमको क्या राइट बनता है कि आप हमारे मामलों में इंटरफेयर करें। वो कहता है कि हमसे कहा कि जैसी स्थिति है वैसी बनी रहने दो, और भारत के साथ आपने विलय कर लिया, यह दोहरा मापदंड है। हमको इसलिए शांत कर दिया क्योंकि मुस्लिम मेजोरिटी है कश्मीर में, और मुस्लिम मेजोरिटी शांत हो जाए तो पाकिस्तान अगर स्टैंड स्टील एग्रीमेंट हो जाए तो मुस्लिम मेजोरिटी शांत हो गई हमारी वजह से, क्योंकि हमारे साथ स्टैंड स्टील एग्रीमेंट था। और दूसरी तरफ आपने भारत के साथ विलय कर दिया तो उन मुस्लिम्स के लिए जो कश्मीर की वैली के पार्ट थे, उन मुस्लिम्स के साथ आपने दोगलापन किया, और वो ये किया कि आपने पहले पाकिस्तान के साथ एग्रीमेंट कर लिया और भारत के साथ विलय कर लिया। ये पाकिस्तान ने अपना रिप्लाई दिया, इसलिए वो कहते हैं हम ये डिनाई करते हैं कि कश्मीर का विलय सही हुआ है। और साथ में उन्होंने कहा कि हम कोई एग्रेसर नहीं है, हमने ना ही किसी प्रकार के ट्रूप्स भेजे हैं और ना ही कोई इंटरफेरेंस किया है। अब ये दोनों लेटर मिल गए, दोनों लेटर्स के मिलने के बाद 17 जनवरी 1948 को एक रेजोल्यूशन पास हुआ। कब? 1 जनवरी को लेटर हमने दिया, 16 जनवरी को पाकिस्तान ने रिप्लाई दिया, और 17 जनवरी को एक रेजोल्यूशन पास हुआ, और मेजोरिटी से रेजोल्यूशन पास हुआ। उसमें 2 कंट्री एब्सेंट थे और बाकी 9 ने, चूंकि 11 मेंबर्स हुआ करते थे उस समय, तो 9 मेंबर्स ने अफर्मेटिव वोट दिया था इस रेजोल्यूशन पर, और 2 मेंबर एब्सेंट थे। उन्होंने कहा कि हम ये स्वीकार करते हैं कि ये अर्जेंसी का मैटर है, इंटरनेशनल डिस्प्यूट इससे पैदा हो सकता है, अतः इन दोनों कंट्रियों को रोकना आवश्यक है, इसलिए इस पर मुख्य कार्रवाई की जाए। और इस कार्रवाई को लेकर सिक्योरिटी काउंसिल इस डिस्प्यूट को अपने पास लेता है और उस पर पैसिफिक सेटलमेंट का प्रयास शुरू करता है। इस बात को लेकर उन्होंने एक कमीशन बनाया और उस कमीशन को कुछ हिदायतें दी, और यह कहा गया कि कमीशन जो बनाया जाएगा उसमें एक रिप्रेजेंटेटिव भारत से, एक रिप्रेजेंटेटिव पाकिस्तान से, और दोनों रिप्रेजेंटेटिव मिलाकर एक तीसरा और सदस्य चुन सकते हैं। क्या किसमें होता है ये? आर्बिट्रेशन के मामले में आप लोगों ने पढ़ा होगा ऐसा ही होता है, दो डिस्प्यूट जो लेकर आए हैं या तो दोनों मिलकर किसी एक पार्टी को चुन लें, या फिर एक पार्टी दोनों पार्टी चुन लें और तीसरा वो दोनों मिलकर चुन लें। और आपने कहा था कि इनमें जब भी मेंबर चुने जाते हैं तो 1, 3, 5, 7, 9 में चुने जाते हैं ताकि डिसीजन पर पहुंचा जा सके। इस बात को लेकर 3 मेंबर्स की कमीशन की रिकमेंडेशन ऑनरेबल सिक्योरिटी काउंसिल ने कर दी, और इस रिकमेंडेशन पर उन्होंने कहा कि वो ऑन स्पॉट जाकर देख सकते हैं, वहाँ आर्टिकल 34 के तहत सेटलमेंट करवा सकते हैं, वो भारत और पाकिस्तान के बयान ले सकते हैं, दोनों के जो मेंबर्स हैं वो ये देख सकते हैं कि कोई अल्टरनेट इसका निकाला जा सकता है, इस बात की रिपोर्टिंग करने के बाद हम किसी नतीजे पर पहुँचेंगे। इस बात को लेकर 13 अगस्त 1948 को एक रेजोल्यूशन आया, और फिर 20 अगस्त 1948 को रेजोल्यूशन आया। तेरह अगस्त वाला हम कंक्लूड करके यहां पर बता देते हैं, बस इतने में काम उतना हो जाएगा। क्या बताया उन्होंने? 20 अगस्त 1948 का जो रेजोल्यूशन था और 13 अगस्त 1948 का जो रेजोल्यूशन था उसको पाकिस्तान ने रिजेक्ट कर दिया। 13 अगस्त 1948 के रेजोल्यूशन को 20 अगस्त 1948 को पाकिस्तान ने रिजेक्ट किया, लेकिन भारत ने उसको अडॉप्ट किया। इस रेजोल्यूशन में था क्या जो पाकिस्तान ने उसको रिजेक्ट कर दिया? इसमें था, इसको शॉर्ट में करते हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। क्या कहा सिक्योरिटी काउंसिल ने? जम्मू एंड कश्मीर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भारत पर है, पहली चीज, यानी कि जम्मू एंड कश्मीर को भारत का हिस्सा सिक्योरिटी काउंसिल ने मान लिया, एक काम। दूसरी बात उन्होंने कही, सॉवरेंटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट ओवर द इंटायर टेरिटरी ऑफ स्टेट शैल नॉट बी ब्रॉट अंडर क्वेश्चन।
जम्मू एंड कश्मीर की जो सॉवरेंटी, जो संप्रभुता है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई सवाल सिक्योरिटी काउंसिल में नहीं उठेगा, वो संप्रभु माना जाएगा। तीसरी बात उन्होंने कही, देयर शैल बी नो रिकॉग्निशन ऑफ सो कॉल्ड आजाद कश्मीर गवर्नमेंट। आजाद कश्मीर गवर्नमेंट किसको कहते हैं? वो हिस्सा मुजफ्फराबाद वाला जिसको पाकिस्तान ने एग्रेशन करके कब्जा कर लिया। हम लोग यही तो कह रहे हैं ना अभी कि 24 अक्टूबर को वो भारत में घुस आए और उन्होंने वो हिस्सा बारामूला के उधर का कब्जा कर लिया। तो इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा हम किसी भी हालत में उस जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं उसको रिकॉग्नाइज नहीं करते, यानी कि उसको जम्मू कश्मीर का ही हिस्सा मानते हैं, वो अलग से पाकिस्तान का हिस्सा नहीं माना जा सकता, ये कहा। आगे वो कह रहे हैं द टेरिटरी ऑक्यूपाइड बाय द पाकिस्तान शैल नॉट बी कंसोलिडेटेड टू द डिसएडवांटेज ऑफ द स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर। पाकिस्तान के कब्जे में जो भी टेरिटरी है उसको जम्मू कश्मीर स्टेट के अंगेंस्ट में इस्तेमाल करने का कोई अधिकार नहीं है, उसका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंगेंस्ट में नहीं हो सकता। आगे कहते हैं द रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द सिक्योरिटी ऑफ स्टेट ऑफ जम्मू कश्मीर सोली रेस्ट विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जम्मू कश्मीर की जो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो भारत में है। आगे कहते हैं द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द इवेक्यूएटेड एरियाज इन द नॉर्थ ईस्ट शैल रिवर्ट टू द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू कश्मीर एंड इट डिफेंस टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जो हिस्सा छोड़ेगी पाकिस्तान, पाकिस्तान को ये कहा गया था कि आप अपना हिस्सा, वो जो हिस्सा तुमने कब्जा करके रखा वो छोड़िए, क्योंकि उन्होंने कहा कि तो हम इसको रिकॉग्नाइज नहीं करते कि ये अलग है कश्मीर से। तो उन्होंने कहा उस हिस्से को पाकिस्तान छोड़े और उस हिस्से को कश्मीर में मिलाए। तो उन्होंने कहा जो छूटा हुआ हिस्सा है जिसको छोड़ेगा पाकिस्तान उसको जम्मू कश्मीर का हिस्सा माना जाएगा, और जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा माना जाएगा उसकी डिफेंस करने का राइट भारत का होगा, ये इस रेजोल्यूशन में कहा। आगे कहते हैं पाकिस्तान शैल बी एक्सक्लूडेड फ्रॉम ऑल अफेयर्स ऑफ जम्मू कश्मीर इन पार्टिकुलर इन प्लीबिसाइड। अगर कोई भी प्लीबिसाइड उसमें होता है, जैसे प्लीबिसाइड के लिए हमने कहा था कि हम प्लीबिसाइड करवा सकते हैं अगर कोई डिस्प्यूट आपको लगता है, तो उन्होंने कहा अगर कोई प्लीबिसाइड इस हिस्से में होगा तो पाकिस्तान सरकार को टोटली वहां से बाहर किया जाता है, वो किसी प्रकार के प्लीबिसाइड में इंटरफेरेंस नहीं कर सकते और कोई भी रोल उसमें प्ले नहीं कर सकते। प्लीबिसाइड करवाना भारत का इंटरनल मामला है, भारत सरकार उस पर प्लीबिसाइड करवाना चाहे तो करवा सकती है, और वो भी कमीशन की रिकमेंडेशन पर। उन्होंने कहा कि जो कमीशन बिठाया है वो कमीशन जैसा रिकमेंडेशन करेगा, कमीशन की सलाह पर प्लीबिसाइड की बात आती। तो कमीशन तो उससे पहले उन्होंने कहा पाकिस्तान खाली कर दे, और हमने कहा कि कमीशन से हम मिलकर बात कर लेंगे कि प्लीबिसाइड हमको करवाना है कि नहीं करवाना, वो सिचुएशन कमीशन बताएगा, कमीशन को आने दीजिए। और कमीशन में एक में दो दो एक एक मेंबर दोनों राष्ट्रों के थे और एक तीसरा मेंबर था जो सिक्योरिटी काउंसिल ने बनाकर डिस्प्यूट पर को पैसिफिक सेटलमेंट के लिए फॉरवर्ड किया था। तो हमने कहा कि उनसे मिलकर हम करवा लेंगे, लेकिन पाकिस्तान से कहा कि तुम उससे बाहर रहोगे प्लीबिसाइड से, और ये कहा कि जो हिस्सा तुम्हारे कब्जे में है वो छोड़ दो, वो जम्मू कश्मीर को दे दो, तब पूरे का प्लीबिसाइड होगा। और साथ में उनसे कहा कि तुम्हारा कोई राइट नहीं होगा कि तुम किसी हिस्से पर सो कॉल्ड जिसको आप आजाद कश्मीर कहते हैं वो कोई आजाद वाजाद कश्मीर है, वो कश्मीर का हिस्सा है, उसको हम जम्मू कश्मीर का हिस्सा मानते हैं, ये सिक्योरिटी काउंसिल ने कहा। आगे कहा इफ द प्लीबिसाइड इज फाउंड टू बी इम्पॉसिबल फॉर टेक्निकल एंड प्रैक्टिकल रीजंस। अगर प्लीबिसाइड करना, जैसा भारत कह रहा है कि हम प्लीबिसाइड करवा देंगे, अगर प्लीबिसाइड करना टेक्निकल रीजन से या कोई प्रैक्टिकल रीजन से इम्पॉसिबल हो तो कमीशन फिर उस पर अपनी रिकमेंडेशंस करेगा कि किस प्रकार से उसका सलूशन निकाला जाए, किस प्रकार से उसका सलूशन निकाला जाए। आगे कहना है बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो सबसे इंपॉर्टेंट इसका पॉइंट है कि प्लीबिसाइड प्रपोजल शैल नॉट बी बाइंडिंग ऑन इंडिया। क्या प्लीबिसाइड का जो प्रपोजल भारत ने दिया है वो भारत के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा? इस सेटलमेंट में कहा दैट शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन इंडिया, शैल वर्ड इस्तेमाल किया है, मे नहीं करा है, क्या शैल नॉट बी बाइंडिंग अपॉन इंडिया कब? इफ पाकिस्तान डज नॉट इंप्लीमेंट पार्ट वन एंड पार्ट टू ऑफ द रेजोल्यूशन ऑफ 13 अगस्त 1948। 13 अगस्त 1948 के जो रेजोल्यूशन के दो पार्ट आए थे जिसमें यह कहा गया था कि आजाद कश्मीर
कोई नाम नहीं है, वो जम्मू कश्मीर का हिस्सा है। और दूसरी बात ये कही गई थी कि आप उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे और जो भी टेरिटरी आपके पास है उस टेरिटरी को छोड़ दीजिए और उसका एडमिनिस्ट्रेशन भारत के पास होगा और भारत का चूंकि अभिन्न अंग है, भारत का हिस्सा है, इसलिए भारत उस पर डिसीजन करेगा कि क्या होना है। इन दो बातों को और तीसरी बात उन्होंने कही थी उसमें कि पाकिस्तान के पास जो टेरिटरी है उस टेरिटरी का इस्तेमाल जम्मू कश्मीर के अंगेंस्ट में इस्तेमाल नहीं करेगा, वहां पर जैसे ट्रेनिंग देना या लोगों को तैयार करना या लोगों को भड़काना ऐसा कोई काम पाकिस्तान नहीं करेगा। ये दो पार्ट में उन्होंने कहा कि अगर इन दो पार्टों को पाकिस्तान मानता नहीं है तो भारत के ऊपर किसी भी प्रकार से प्लेबिसाइट बाइंडिंग नहीं होगा। भारत प्लेबिसाइट करवाए या ना करवाए ये भारत की मर्जी। पाकिस्तान ने आज तक, ये सन 13 अगस्त 1948 का मैटर है, 13 अगस्त 1948 से लेकर आज तक पाकिस्तान ने वो हिस्सा नहीं छोड़ा और अपनी हरकतें भी नहीं छोड़ी। जो हरकतें वो तब कर रहा था वही हरकतें वो आज भी कर रहा है। इसलिए सिक्योरिटी काउंसिल ने बाद में इस मैटर को अपने यहां से सेटल्ड घोषित करके हटा दिया। आज की तारीख में ये रेजोल्यूशन समाप्त हो चुका है सिक्योरिटी काउंसिल में। अब सिक्योरिटी काउंसिल इसको डिस्प्यूटेड हिस्सा नहीं मानता और सिक्योरिटी काउंसिल ये मानता है कि जम्मू एंड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है। ठीक, आज की तारीख में सिक्योरिटी काउंसिल में ये मैटर डिस्प्यूटेड नहीं है क्योंकि जो उन्होंने रिकमेंडेशंस की थी। और क्या है, हम लोगों ने कहा कि हम पार्ट 6 में गए, पार्ट 7 में नहीं, चैप्टर नंबर 7 में जाते तो वो बाइंडिंग होता, उसमें वो फोर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें तो हमने उनसे सलाह मांगी थी और ये कहा था कि आप उनको बुलाइए और उनको समझाइए क्योंकि वो हमारे मामले में डिस्टरबेंस कर रहे हैं और अगर कोई मामला गड़बड़ शड़बड़ है तो हम खुद प्लेबिसाइड करवा लेंगे, हम खुद डिसाइड कर लेंगे कि वहां की जनता खुश है कि नाराज। अब प्लेबिसाइड का जो मैटर रहता है कमीशन के लिए, इसमें कहा था 13 अगस्त के रेजोल्यूशन में कि अगर वहां पर प्लेबिसाइड करवाना टेक्निकल या प्रैक्टिकल रीजन से संभव ना हो तो कमीशन से राय लेकर भारत सरकार यह डिसाइड करेगी कि किस प्रकार से वहां इस प्लेबिसाइट के अतिरिक्त कोई काम हो। भारत सरकार ने वहां पर चुनाव करवाकर यह सिद्ध कर दिया कि वहां की जनता हमारे साथ थी। भारत सरकार लगातार उस पर चुनाव करवा रही है, सरकार बना रही है, वहां के रिप्रेजेंटेटिव भारत के पार्लियामेंट में आ रहे हैं, वहां की जो स्टेट गवर्नमेंट्स हैं वहां पर स्टेट गवर्नमेंट को हम रिकॉग्नाइज कर रहे हैं, वहां की जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं वो भारत में भारत को रिकॉग्नाइज करती हैं। शेख अब्दुल्ला साहब को उस समय जब पाकिस्तान ने हमला कर दिया था, शेख अब्दुल्ला मुस्लिम मेजोरिटी के हेड हुआ करते थे हुर्रियत वो नेशनल कॉन्फ्रेंस से, तो नेशनल कॉन्फ्रेंस ने भारत में विलय करने की रिकमेंडेशन की थी, महाराजा हरि सिंह ने उनको अपना प्रधानमंत्री घोषित किया था और तब तो उनको क्या समझ में आ रहा था, तब उनको ये लग रहा था कि पाकिस्तान कब्जा कर लेगा तो मेरी पॉलिटिक्स नहीं चमक पाएगी, हम तो खत्म हो जाएंगे क्योंकि पाकिस्तान ने तो किसी को चमकने नहीं दिया, पॉलिटिक्स वॉलिटिक्स तो सबकी खत्म कर दी पाकिस्तान ने, जिन्ना की पॉलिटिक्स खत्म कर दी, बाकी की तो छोड़ दो। जो क्रिएटर ऑफ पाकिस्तान कहलाते हैं जिन्ना साहब, जिन्ना की पॉलिटिक्स खत्म कर दी तो बाकी तो शेख अब्दुल्ला तो खेल खत्म हो जाता। ये खुद पॉलिटिक्स कर रहे थे उस समय ये सोचकर कि पाकिस्तान के साथ अगर चला गया जम्मू एंड कश्मीर किसी तरह से भी तो हमारी पॉलिटिक्स खत्म हो जाएगी, इसलिए भारत के साथ जाना ज्यादा उचित है और भारत इस पर काम करें। अब वो कहते हैं कि इसमें मुस्लिम मेजोरिटी के साथ पक्षपात किया और हमारे साथ स्टैंडर्ड स्टील एग्रीमेंट कर लिया और भारत के साथ विलय कर लिया। पाकिस्तान से एक बात हम साफ साफ पूछते हैं या कोई भी पूछ सकता है कि भारत में रहने वाले सारे मुसलमानों को क्या वापस लेने को तैयार है? पाकिस्तान भारत में रहने वाले मुसलमानों को वापस लेने को तैयार है? अगर भारत में रहने वाले मुसलमानों को वापस लेने को तैयार है, जो कि हमारा सन 1947 के जो पार्टीशन हुआ था उसमें समझौता हुआ था, अगर पाकिस्तान सारे मुसलमानों को भारत से लेने को तैयार हो तो उनकी बात में इसमें जान हो सकती है कि मुस्लिम्स के साथ गलत सोचा है भारत ने। अगर हम तुमसे ज्यादा पाकिस्तान से ज्यादा मुसलमान भारत में हैं और वो स्वतंत्र रूप से रहते हैं और स्वतंत्रता से जीते हैं, उनको अगर हमने कभी किसी स्टेज पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया तो तुम क्या कश्मीर के मुसलमानों की ठेका ले रहे हो और क्या बात करते हैं आप? आप अगर कश्मीर के मुसलमानों का ठेका लेने की बात करते हो और कहते हो कि उनके साथ गलत हुआ, तो सबसे पहला काम पाकिस्तान ये करे कि भारत में रहने वाले सभी मुसलमानों को पाकिस्तान में इनवाइट कर ले और कहे कि तुम हमारे हो। अगर वो ये कहते हैं कि ये सब मुस्लिम हमारे हैं तो उन मुसलमानों को अपने यहां अपने घर में रखना। हम अपने भाई को कहते हैं ये भाई मेरा, तो हम अपने घर में रखेंगे, और अगर भाई मेरा नहीं अपने घर में भी नहीं रखते और कहते हैं मेरा भाई है तो कैसा भाई है ये? कि हम अपने घर में भी नहीं रखना चाहते, हम दोहरा मापदंड भी अपनाते हैं और ये भी कहते हैं इनके साथ भेदभाव हो रहा है लेकिन साहब हम अपने घर में नहीं रखेंगे। ये सब
गड़बड़ शड़बड़ उनकी सह पर हो रहा है। ये तरीका जो आपने अभी हम लोगों ने पूरा एक प्रैक्टिकल तरीका पढ़ा पार्ट सिक्स का यूएन चार्टर के, कि किस प्रकार पैसिफिक सेटलमेंट होते हैं, उसमें भारत का इलस्ट्रेशन एक बेटर इलस्ट्रेशन था। उससे दो बातें अपनी हो गई कि आप भारत के बारे में जानकारी भी जान गए और ऊपर से अपना चैप्टर भी सॉल्व हो गया। नेक्स्ट। हाँ, इट वॉज नॉट इन डिस्प्यूट एट ऑल। कश्मीर के हिस्से को कब्जा करके रखा उन्होंने अभी, बिल्कुल हटा सकती है, भारत को राइट है कि वो बाई फोर्स उसको हटा ले। और बाई फोर्स इसके बाद हमारे साथ दो समझौते हुए हैं, इसके बाद अगर आप उसको डिस्प्यूट मानते हैं तो दो समझौते हमारे साथ हुए हैं पाकिस्तान के इन्हीं मैटर्स को लेकर। एक समझौते को हम लोग शिमला समझौता कहते हैं और एक को तेहरान समझौता कहते हैं। जब शिमला समझौता और तेहरान का समझौता हो चुका है, सन 1966 का तेहरान का समझौता है और सन 1972 का 10 जनवरी सन 1966 ताशकंद का समझौता, 10 जनवरी सन 1966 को ताशकंद का समझौता हो चुका है। हमला किधर से हुआ था? हमला तो कश्मीर के साइड से ही हुआ है। दोनों युद्ध जो 65 का युद्ध हुआ और सन 71 का युद्ध हुआ, ये दोनों युद्ध हुए तो कश्मीर के साइड से। हाँ, 71 वाले युद्ध में दो बॉर्डर खुल गए थे, इस बॉर्डर से भी हुआ और इस बॉर्डर से भी हुआ, बांग्लादेश के बॉर्डर से। लेकिन इधर जो 66-65 का युद्ध है वो तो उधर से हुआ। जब 65 के युद्ध के बाद शांति समझौता ताशकंद समझौते ताशकंद डिक्लेरेशन हो चुका है और 2 जुलाई सन 1972 का शिमला समझौता हो चुका है, तो अब पाकिस्तान का इसमें इस बात को लेकर कि नहीं साहब वो डिस्प्यूटेड एरिया है, मतलब ही खत्म हो जाता है। डिस्प्यूट कौन घोषित करेगा? पाकिस्तान ही तो कह रहा है ये डिस्प्यूट है, और पाकिस्तान स्वयं उस पर समझौते पर दस्तखत कर रहा है और कह रहा है कि हम अपनी बाउंड्रीज में पीछे जाने को तैयार हैं। जब भारत ने उनके चढ़ के लाहौर तक कब्जा कर लिया, 65 के युद्ध में हम लाहौर तक पहुंच गए थे, और 2 दिन मिल जाते तो पूरा पाकिस्तान भारत में आ जाता, बाप बेटे एक हो जाते। लेकिन वो इंटरनेशनल दबाव में खैर समझौता करना पड़ा कि भाई पैसिफिक सेटलमेंट होना चाहिए। पैसिफिक सेटलमेंट के लिए हमने ताशकंद में जाकर एक समझौता किया, लेकिन उस समझौते में यह हुआ कि भारत की टेरिटरी को उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि यह भारत की टेरिटरी है, और जब भारत की टेरिटरी पाकिस्तान जो डिस्प्यूट कहता था उसने रिकॉग्नाइज कर दिया सन 66 के समझौते में, तो अब काहे का डिस्प्यूट बचा? 72 के समझौते में जब रिकॉग्नाइज कर दिया कि नहीं भारत की टेरिटरी है, तो अब काहे का डिस्प्यूट बचा? किसका डिस्प्यूट है, किसके द्वारा कहा गया डिस्प्यूट है? तो सिक्योरिटी काउंसिल, तुम आपस में सेटलमेंट कर रहे हो, और सिक्योरिटी काउंसिल क्या कह रही थी? सिक्योरिटी काउंसिल के रेजोल्यूशन बार में ये कह रहे थे, या आर्टिकल 34 ये कह रहा था कि पीसफुल सेटलमेंट किसी भी तरीके से, इन तरीकों से जो हम बता रहे हैं, या फिर इसके अलावा कोई और तरीका हो जो दो देश आपस में जो डिस्प्यूटेड हैं वो दो देश उसका सोल्यूशन निकाल सकते हैं। अगर वो देश दो देश उस पर सोल्यूशन निकाल सकते हैं, तो सोल्यूशन कब निकला? सन 66 के समझौते में निकला, सन 72 के समझौते में निकला। जब दो समझौतों में सोल्यूशन निकल चुका है और उसको भारत की टेरिटरी मान चुका है पाकिस्तान, अब वो डर के मारे माना हो या जो भी माना हो, क्योंकि उस समय तो हम चढ़ गए थे, तो फिर अब डिस्प्यूट तुमने घोषित किया था तो डिस्प्यूट कहां बचा? सिक्योरिटी काउंसिल क्यों अपने माथे पर खोपड़ी, अब अपनी खोपड़ी पर जुएं गिने? सिक्योरिटी काउंसिल क्यों गिने? क्योंकि सिक्योरिटी काउंसिल के बाहर समझौता हो चुका है, तो सिक्योरिटी काउंसिल ने उसके बाद फिर उसको डिस्प्यूट मानने से मना कर दिया और बोले अब हमारे स्तर से ये बाहर हो चुका है, क्योंकि भारत और पाकिस्तान के आपस में समझौते हो चुके हैं। फिर भी, लेकिन एक बात कहते हैं ना, जो कमीना होता है वो कमीनगी से बाहर नहीं जाता। तो वो इतने बड़े वाले हैं, वो एक बार खाएं, दो बार खाएं, चार बार खाएं, चार युद्ध हो चुके हैं और चारों युद्धों में वो पता नहीं क्या क्या खा चुके हैं, जूते चप्पल सब, लेकिन मानते नहीं। आदत, स्मैकिए को देखा? स्मैकिए को किसी ने देखा? जानते हो ना, स्मैक पीते लोग। स्मैकिए को 20 बार जेल में बंद कर दीजिए, जेल के अंदर भी स्मैक पिएगा ढूंढेगा, वो मान नहीं सकता। उसको कोई सजा दे दे, कोई जज स्मैकिए को नहीं सुधार सकता, संसार के सब आदमी को सुधार सकता, स्मैक पीने वाले को नहीं सुधार सकता, या जो नशा करने वाला है उसको नहीं सुधार सकता, क्योंकि वो उसको सजा दे देगा, कहेगा सजा से क्या फर्क पड़ता, मेरे को इसकी स्मैक पीनी है, अंदर पियेंगे बाहर पियेंगे।